मेरा नाम सतार जोगी है, पाकिस्तान सिंध उमरकोट थरपारकर उधर से रहने वाले हम। तो मैं ये मुरली बजाता हूँ और इसको सिंधी में मुरली बोलते हैं, पंजाबी में बीन भी बोलते हैं। तो ये मुरली मैं बजाता रहता हूँ और आज मैं ये मुरली का जो साज़ है, ये फ़न की दुनिया में ये फ़न आपको सिखाना चाहते हैं हम। ये मुरली कम से कम 6-7 हज़ार साल पुराना साज़ है। ये बहुत ये साज़ है हमारे ख़ानदानों ने, जोगियों ने, जो जिन जोगियों ने वो चिले काटे, उन जोगियों ने इस मुरली को आगे बढ़ाया है, उन्होंने बजाए थे और उन्होंने बजाए थे। और इसके साथ उस सांप का मेल था, जो वे सांप था वे इस मुरली के ऊपर आशिक था। ये मुरली का आवाज़ सुनता था, उस सांप का मन मोहित हो जाता था। तो उस जोगी का नाम इस्माइल जोगी था। तो वहाँ से ये मुरली का साज शुरू हुआ है। तो ये साज किसी क्लासिकल के अंदर भी नहीं था, किसी महफलों के अंदर भी नहीं था, किसी बड़े बड़े राज दरबार जो गाने वाले थे उनके साथ भी ये मुरली का साज इतना जाहिर नहीं था। ये सिर्फ जोगियों ने ही बजाया और सांप का मन मोहित किया और ये उधर का उधर ही रहा, आगे नहीं आया। तो उसके बाद जो हमारे वे तो बड़े जोगी हो गए, 10 साल पुराने जोगी, उसके बाद ये हमारी पहचान है मुरली। तो हमारे बाप दादे थे वे भी बजाते आए मुरली। तो फिर मेरे वाल साहब से मैंने सीखा, मैं 10 साल का था, मेरा वाल साहब ने मेरे को बोला कि बेटा सतार बच्चा ये मुरली का साज सीखो यार, ये हमारी पहचान होएगा। उस्ताद खमीसो खान के बेटे भी सतार जोगी भी बजा रहे मुरली, तो ये हमारा नाम तो रहेगा, तो ये सीखो। 10 साल से हमने सीखा और हमारे जो बुजुर्गों ने इस मुरली का साज बनाया, उन्होंने एक तो बड़ा कमाल किया इस मुरली के अंदर, उन्होंने क्या क्या बनाया। अभी देखो ये कद्दू है, ये कद्दू है, ये कद्दू है जिसको लोकी बोलते हैं। ये सिर्फ मुरली बजाने के लिए काम में है, बाकी अंदर से ये कड़वा है। तो ये ऐसा मुरली है, हमारे उस्तादों ने बुजुर्गों ने इसको बनाया। इसको बनाने से बाद ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, तो इस लकड़ी के अंदर 6 सुर बनाए, ऐसे 10 सुर बनाए उन्होंने डबल बनाने के लिए, तानपुरो मिलाने के लिए। अभी देखो तानपुरा है, बाजा है, गटार है, ये अभी आए, ये अभी के हैं। तो ये 7-8 हज़ार साल पहले ये तानपुरा बाजा ये नहीं थे, जबकि ये साज है, जबकि पुराने साज कौन सा है, एक चंग है, एक बैसरी है और ये बाकी ये मुरली है। जब उन्होंने हमारे बुजुर्गों ने इसके साथ तानपुरो भी लगा लिया, ये एक बड़ा कमाल की बात उन्होंने की जो हमारे जोगियों ने। अभी इसके साथ ये इसका बजने वाले सुर है, जो इसमें 2 सुर इसमें बनाए हुए हैं, इसके तानपुरे के 2 सुर बनाए हुए हैं, 1 और 2, ये तानपुरा है जो इसको आस देकर रखते हैं। और ये इसके सुर बनाए हुए हैं, तो इस सुर के अंदर ये 8 सुर बनाए उन्होंने, ठीक है। 8 सुरों के अंदर 1 सुर को उन्होंने बंदी बंद रखा है, बंदी बंद रखा है, कभी ज़रूरत पड़े तो इस 8वें सुर को लगा खोलना है, ज़रूरत नहीं है तो इस 8वें को बंदी बंद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये 7 है, 7ों में एक जो 6वां ये 7वां है ये सुर है, इसको उन्होंने सिर्फ रिदम के लिए रखा है, तो इसका ठीका चलेगा। ये जो 7वां सुर है इसका उन्होंने रिदम के लिए रखा है, तो इसका ठीका चलेगा, इस ठीके पे कोई भी गाना गाजल कोई भी गाते रहेंगे। और ये बाकी 6 सुरों के अंदर किसी राग को इस 6 सुरों के अंदर निकालना है और मुकम्मल करके निकालना है, इस 6 सुरों के अंदर कोई कमी पेशी उस राग के अंदर नहीं रखनी है। तो हमारे बुजुर्गों ने कितना अंदाज, कितना उन्होंने दिमाग लगाया। और फिर उन्होंने इधर तानपुरे का ये लेन तानपुरे की है, ये तानपुरा है, इसमें 2 ये सुर लगाए हैं, जिसमें तानपुरा जिधर ही फिट करना है उधर फिट होता है। अभी ये है जो ये मुंह में, ये मुंह में सेत वाली मक्खी नहीं होती है, सेत की मक्खी जो जंगलों में होती है दरख्तों के ऊपर, उस मक्खी का जो मनार होता है वह मनार आप वह मनार के साथ ही मुंह में डालते हैं खाने के लिए, फिर रस हम पी लेते हैं और उसका जो मनार है वह ये मुंह में, ये मुंह में उस मुंह को ऐसे बनाकर और इसके अंदर फिर
ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे करने से हाथ का मैल लग जाता है तो ये काला हो जाता है, नहीं तो ये इसका रंग भूरा होता है, ठीक है। तो उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ से ये खुलता भी है, हाँ यहाँ से खुलता है तो फिर इधर से अभी ये देखो नहीं, ये खुल गया, ठीक। तो अभी इसका ये हवा लीक ना हुए इसके लिए ये मोम लगाया हुआ, मोम लगाकर और इसको फिट किया इधर, और बाकी बाकी और ये दरकट के ऊपर ऐसे, ये ऐसे लटकते हैं, ये मुरली है नहीं, अपनी बेल के साथ ऐसे लटकते रहते हैं, सारे दरकट के ऊपर ऐसे मुरलियों का ऐसे लटकते हैं। जब योगी की नज़र पड़ती है तो योगी बोलता है कि हमारा चीज़ इधर पड़ा है दरकट के ऊपर, ओए भाई यार ये एक तो दाना दियो यार, हम मुरली बनाएंगे उनसे मांग कर फिर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये आवाज़ निकालने वाले हैं, जो ये इसका है लीट, जैसे हारमोनियम के अंदर लीट होता है, ये इसका लीट है। ये जो ये कंगोर होते हैं, किधर किधर आपने नहीं देखा होगा जंगलों के अंदर, कंगोर है, ये कंगोर है, तो इसको नड़ भी बोलते हैं, कंगोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंगोर बांस की तरह मजबूत होता है, एक हल्का सा होता है वो ऐसे दबाने से एकदम फिट जाता है, और इसको दबाएगा नहीं टूटेगा, ये बांस की तरह, बांस की नस्ल की ये कंगोर होता है। तो इसके पत्ते होते हैं जैसे गन्ने के पत्ते, कैसे होते हैं गन्ने के पत्ते और इनके पत्ते एक बराबर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो फिर इसको हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाकर, इतना टोटा बनाकर इसका ये ज़बान निकाला, ये ज़बान है इसका, ये ज़बान है, उन्होंने चाकू से ऐसे निकाल कर इसका ये ज़बान निकाल कर, अभी ये बजता है, अभी बजता है, अभी ये सिंगल है, ठीक है। इसका तानपुरे का इधर इसका लीट होता है, तानपुरे का इसमें नहीं लगाया इन्होंने, सिंगल मैंने बनाया, अभी इसके अंदर तानपुरे का ही जो लीट लगाया, दो लीट है इसके अंदर, तो अभी ये सिंगल है तो ये एक ही बजेगा, ये अभी ये एक सिंगल ही बज रहा है, ठीक है। तो फिर इन्होंने ये इधर इनको फिट कर दिया, हमने इसको इधर फिट कर दिया ऐसे, तो धूप लगने से ये नरम हो जाता है, ये मुंह में धूप से नरम हो जाता है और ठंडक से सख्त हो जाता है। अभी यहाँ से हवा कैच नहीं होएगा, यहाँ से अभी यहाँ से हवा क्रॉस नहीं होएगा। तो ये मुरली का जो साज सीखने के लिए सबसे पहला सबक इसका यही है, जो हमारे बुजुर्गों ने भी हमारे को सिखाया उस तरीके से ही हम भी सीखे। तो पहला इसका सबक यही है, जो इसका सांस पक्का करना पड़ता है, जो ये सांस खुद भी सांस लेते जाएं और इस मुरली को भी हवा, ये सांस मुकम्मल हवा देना चाहिए। तो वे इस तरीके से होता है, अभी ये देखो ये मुकम्मल ऐसा ही ऐसा होना चाहिए, ये इसमें बंद नहीं करना है, इसको बंद किया तो मुरली बंद हो जाएगा, इसको बराबर बजाना पड़ेगा। और उसके बाद ये हाथ है, इसको काबू ऐसे दबा कर, इसमें भी आप सीख सकते हैं इसका सांस पक्का करने के लिए। ये देखो अभी इधर से इस हाथ में दम ने हमको पक्का कर लिया, फिर इस मुरली को मुंह पर रखा और डायरेक्ट हो जाएंगे। तो फिर सांस पक्का करने के बाद अभी मेरा शागिर्द है, मेरा बेटा है, वह मेरा शागिर्द बना हुआ है, वह सीख रहा है मेरे से। तो उसको मैंने बोला भाई पहले इस मुरली को ऐसे पकड़ा, फिर एक उंगली इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, इस हाथ के तीन उंगली इधर रखा, ठीक है, इस हाथ के भी एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीन, ये भी, ये छः सुर हो गए, ठीक। ऐसे रख कर फिर इसको आप यहाँ से शुरू करो बजाओ, पहले इसका मुकम्मल सम,
दूसरा सबकत है उस पे जाने के लिए तो ये जो उंगली है इसका आखिरी आला है, इसको ऊपर करना पड़ेगा और एक आगे वाला भी उंगली इसको भी ऊपर करना पड़ेगा और फूक को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा उस हिसाब से जिधर इसकी आस पूरी मुकम्मल होती है उस हिसाब से फूक को भी थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये दूसरी सबकत पे जाने के लिए अभी ये दूसरी सबकत तक तीन हिस्सा ऊपर हम गए, दूसरी सबकत से तीन हिस्सा ऊपर जाकर फिर वापस आ गए। तो अभी इसका जैसे एक ही नोटेशन में आएंगे हम तो इसका सारे जो छः सुर लगेंगे। अभी इस ये दूसरा राग है, इस राग के अंदर ये छः सुर इसके लगेंगे। ये सीखने के लिए और सिखाने के लिए अभी इसका एक एक सुर हम बताते हैं हमारे शागिर्दों को, सिखाने चाहते हैं जब उनको ऐसे बताते हैं जैसे अभी आपको हम सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक, अभी ये छह ही उंगलियों को ऐसे एकदम उठाना फिर आना फिर जाना और आना जाना, इसमें ये उंगली अपनी ताकत रखती है और अपने जगहें पक्के करते हैं। तो ये उंगली उठती रहेगा बार बार, तो इसको इशारा दिल से इशारा होएगा और इधर ये उंगली उठ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस उंगलियों को भी तरीका सिखाना पड़ता है। तो ये कोई सीखने चाहते हैं तो ये उंगली ऐसे ऐसे बराबर उठाएंगे तो उनकी उंगली इसके आदत पड़ जाएगा, तो ऐसे उठने में किधर भी देर नहीं करेगा। तो अभी ये जो इसको बोलते हैं पुरिया कल्याण, अभी ये भी दादरों कर रहा आगे पुरिया कल्याण है। तो अभी इसके अंदर क्या कौन सी उंगली उठेगा और कौन सी नहीं उठेगा आप देखना। इसमें इसका जो रिदम है तो इसमें ये लगेगा रेखब लग रहे हैं और मदम लग रहे हैं और पंचम भी लग रहा है, तो ऐसे ये लगाने से ये एक राग बनेगा इस छह सुरों के अंदर। ठीक है, और छह सुरों को एक बराबर लगाएंगे तो कोई भी राग नहीं बनेगा, तो इसका जोड़ बनाते जाएंगे हम तो भाई ये राग इस सुरों से बनता है तो वही उंगली ऊपर उठानी पड़ती है। अभी कोई भी भाई मेरे से मुरली सीखना चाहे और मेरे को मंगाना चाहे तो ये नीचे जो नंबर है हमारा उस पे फ़ोन करके हमसे बात करें।
मेरा फ़न सुनने के लिए और हेरिटेज लाइफ और यूट्यूब चैनल देखें आप, तो हमारा ये उसी चैनल पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। सतार जोगी को सुनना हुआ तो ये चैनल को देखना आप यूट्यूब।